आप लोग तो सारे लोग ऐसे हो, विशेष रूप से हमारा ये जो समाज है एसएसके समाज, ये पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहे हो? क्योंकि आप राष्ट्रवादी लोग हो, आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है, राष्ट्रीय विचारों की पार्टी है। भारत माता की जय कहने वाले आप लोग हो, और भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय कहने वालों की पार्टी है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, देव देश आणि धर्मा करता आपल्याला जगायचं आहे, हे जे छत्रपति शिवाजी महाराज म्हणायचे ते म्हणणारे तुम्ही लोक आहात, देव देश आणि धर्मा करता जगणारे तुम्ही लोक आहात। इसलिए आप सभी लोग ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ते समय ऐसा लगा कि इस समाज को भी वो साथ में लेकर जाएंगे, उनको ये पता नहीं था कि यह समाज किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, ये समाज विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि यहां पर बताया गया कि जब भी धर्म के ऊपर कोई आघात करने की कोशिश करता है तो हमारा क्षत्रिय समाज सबसे आगे जाता है, क्योंकि हमें पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब जब अधर्म होगा तब तक मैं जन्म लूंगा। लेकिन इसका मतलब हर समय श्री कृष्ण ने जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे सारे लोगों को अपने अंदर के श्री कृष्ण को जागरूक करते हुए धर्म की हानि को रोकने का काम करना है। और मेरा विश्वास है आपने हमेशा हुबली धारवाड़ में यही काम किया है, इसलिए आज जब फिर एक बार इस कर्नाटक के अंदर एक प्रकार का आह्वान तैयार किया जा रहा है, एक प्रकार से अपीजमेंट चल रही है, एक प्रकार से केवल एक समुदाय के तलवे चाटने का काम जब कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसे समय हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। कोई मुझे कह रहा था कि डॉक्टर क्रांति किरण, इनके मतदार क्षेत्र में एक विशिष्ट समुदाय के बहुत ज्यादा वोट है। मैंने कहा भाई होंगे उनके ज्यादा वोट, पर भारत माता की जय कहने वालों के वोट तो उनसे ज्यादा है। तो जब भारत माता की वोट कहने वालों के वोट ये एक साथ डॉक्टर क्रांति किरण जी को मिलेंगे तो उनको कौन हरा सकता है, तब तो जीतना ही जीतना है। तो इसलिए मेरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं अशोक जी आपको ये निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष के रूप में, ये जो इस जिले में बसने वाले हमारे सारे के सारे समाज के लोग हैं, कई बार क्या होता है आपको पता है कि जब तक हम शक्ति याद दिलाते नहीं तब तक शक्ति याद आती नहीं। हनुमान जी भी भूल गए थे, हनुमान जी को बताना पड़ा कि आप में इतनी शक्ति है कि आप छोटे थे तो सूरज को निगलने के लिए आप कूद गए थे, तब जाकर हनुमान जी के ध्यान में आया और फिर हनुमान जी ने ऐसी उड़ान लगाई कि सीधी लंका को आग लगाकर ही वापिस आए। तो हमारा क्षत्रिय समाज भी ऐसा ही है, इनको याद दिलाइए अपनी ताकत क्या है, ताकि ये जो बजरंग दल पर बंदी लगाने की बात करते हैं, हमारे बजरंगी एक बार खड़े हो गए तो उनके मंसूबों को आग लगाकर ही वापिस आने चाहिए। इसलिए आपसे इतना निवेदन करता हूं कि देखिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके पास तो एक एक व्यक्ति का नाम है, उसका नंबर है, उसकी डायरेक्टरी है, आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक योजना बनाइए और योजना के तहत ये मत सोचिए कि भाई सब तो अपने ही है, सब तो अपने को ही वोट देने वाले, ये मत सोचिए। ये तय कीजिए अपने को वोट दे रहा है तब भी उसको एक बार याद दिलाना है, और एक पूरी अगले चार दिनों की पांच दिनों की मुहिम तैयार कीजिए कि जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज का एक भी व्यक्ति, सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय समाज का एक भी व्यक्ति छूटे नहीं। हर व्यक्ति के पास हमारा संदेशा जाना चाहिए। आपको चाहिए तो मैं नागपुर से आता हूँ, मेरा नागपुर में बहुत सावजी है, आप चिंता मत कीजिए। आपको जरूरत होगी तो नागपुर के भी कुछ सावजी भेज देता हूँ, वो भी सब राष्ट्रीय विचारों के ही लोग हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो उनको भी आपके साथ भेज देता हूँ। लेकिन एक एक व्यक्ति को जोड़कर और हर व्यक्ति वोटिंग को जाए और 10 तारीख को भारत माता की जय कहने वालों के लिए कमल का बटन दबाए, और जब आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपका वोट
मोदी जी को जाएगा, लेकिन कांग्रेस को ऐसा शॉक लगेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार कहने वालों के साथ खड़े रहने की हिम्मत कांग्रेस जिंदगी में नहीं कर पाएगा। इतना ही निवेदन आपसे करता हूँ।